वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जहां बलिया में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब वह हत्या आरोपी सुरेंद्र सिंह के परिवार का मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह फूट फूट कर रोने लगे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर विधायक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुर्जनपुर में हुई हत्याकांड के बाद लगातार विधायक के ऊपर यह दबाव है कि वह हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह को सरेंडर कराएं और पुलिस के हवाले करें। और धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार परिवार पर शिकंजा कस रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, उनसे मारपीट किया जा रहा है, जिसे देखकर आज बलिया के बैरिया विधायक की आंखों में आंसू आ गए और विधायक सुरेंद्र सिंह फूट फूट कर रोने लगे। यही नहीं, पूरे परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से विधायक जी की आंखों में आंसू है और वह अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। विधायक का कहना है कि उन्हें प्रशासन द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है और उनके मुख्यमंत्री को भी गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज यह नौबत आई है। यदि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सही तथ्यों की जानकारी दी गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जाता। यह भी बता दें कि विधायक सुरेंद्र सिंह के ऊपर योगी आदित्यनाथ की तिरछी नज़र है और उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसका आरोप भी स्वयं विधायक धीरेंद्र सिंह ने लगाया है। बता दें कि दुर्जनपुर में एक कोटे के विवाद के चलते SDM और CO के सामने ही BJP के एक नेता धीरेंद्र सिंह के ऊपर हत्या का आरोप है, जिसके बाद लगातार बलिया में सियासत गर्म है और इस सियासी दावपेच के चलते आज जिस तरीके से विधायक का फूट फूट कर रोने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दल मुद्दा बनाएंगे और आने वाले समय में इस पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी की जाएगी। आइए सुनवाते हैं कि क्या कुछ आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह उनका। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सैनिकों का संगठन है वह भी हत्यारोपी धीरेंद्र सिंह के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि धीरेंद्र सिंह एक हत्यारोपी है और उनकी गिरफ्तारी करना पुलिस की मजबूरी है और उन्हें कानून कभी भी माफ नहीं करेगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। क्या बात है, कैसे? देखिए पत्रकार जी, मुझे दुख है, मैं अपने दुख को कैसे प्रकट करूँ, समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश और बलिया के पुलिस के बंधुओं ने मुझे योगी आदित्यनाथ जी को सही बात न बता करके, एक पक्षीय बात बता करके और टोटल जो है एक तरफा कार्रवाई करवा रही है। हकीकत यह है कि वो कोटा की दुकान के चयन के समय में उन्हीं लोगों ने लाठी डंडा और राड से प्रहार किया, ईंटा से प्रहार किया, उसमें गोली गंठा भी चलाए लोग। अब और महिलाओं को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, आप लोग इसको ये करिए, 6-6 महिलाओं को जो है चोटिल कर दी, 4-4 पुरुषों को चोटिल कर दी। अब आप कल्पना करिए कि कैसी परिस्थिति यहाँ रही होगी पुलिस के सामने। और पुरुष किसके घर पर हैं ये सब लोग जो है? वो जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिक जो है धीरेंद्र सिंह के घर के। कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं आपको? ये चोट अब तो आप पूरा बाप जाइए जो अभी तो इस हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, दो लोग जो है जीवन मौत से मर रहे हैं। इनकी तरफ से तहरीर दी गई थी इस मामले? नहीं, अभी तो मेरे भाई मेडिकल तक अभी इनका नहीं बना था। मैं आज जो है प्रयास करके सब मेडिकल बनवा रहा हूँ। मुझे ये नहीं है, स्पष्ट मेरा कहना है कि जो जिस अंश में गलती किया है उसको उस अंश में दंड मिलना चाहिए। यदि धीरेंद्र सिंह गलती किए हों उनको भी दंड मिले, लेकिन ये लोग भी गलती किए हैं तो इनको भी दंड मिलना चाहिए। इनके परिवार को चोट लगी थी, इस घटना को हुए 2-3 दिन हो गए, अभी तक उनका मेडिकल नहीं बना, ना पुलिस इनके खिलाफ। यही दुर्भाग्य है, इसी में कोई मर जाता, यही दुर्भाग्य है। अब दुख है कि जो है जरूर जो प्रशासन का धर्म है, प्रशासन का धर्म जो है स्थानीय प्रशासन नहीं निभा। देखा जाए तो धीरेंद्र सिंह जी के परिवार की कुछ भाभी थी जो अभी वहीं पे रो रही थी, आप उनको देख के आपके भी आंखों में आंसू आ गए क्यों? इंसान होने के नाते किसी की पीड़ा को देख करके दुखी होना ये स्वाभाविक वो है, इंसान का गुण होता है। लेकिन मैं खुद पीड़ित हूँ और मैंने दुखी हूँ कि मैं खुद दुखी इस बात से हूँ कि नहीं, जो भी जिस अंश में गलती किया है, यदि संविधान यदि वो गलती मानेगा उनको दंड देगा, लेकिन जो लोग ये लोग भी जो गलती किए हैं इनको भी दंड मिलना चाहिए। आज हम जो है स्पेशली इसी काम के लिए उनको लेकर के मेडिकल कराने के लिए।